नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। शाम के 7 बज गए हैं और अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी में 14वें चरण की काउंटिंग पूरी होने के बाद भाजपा के पक्ष में फैसला आया। जी हां, हल्द्वानी विधानसभा सीट से अजय भट्ट ने लगभग 512 वोट से जीत तय की है, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं समेत भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं अजय भट्ट हल्द्वानी विधानसभा सीट से कुल 45,273 वोट पाए हैं, जबकि प्रकाश जोशी के खाते में 44,761 वोट आए हैं। मतगणना के चलते आज हल्द्वानी में सुबह 6 से रात 10 बजे तक नैनीताल रोड भोटिया बड़ावी पुलिस चौकी से आवास विकास को जाने वाले रास्ते जीरो जोन कर दिए गए हैं। बता दें कि यहां यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही एमबीपीजी कॉलेज के चारों तरफ के रास्तों को सील कर दिया गया। बता दें कि डिग्री कॉलेज तिराहे से कुलियालपुरा चौराहा सरस्वती रेस्टोरेंट से महारानी होटल नैनीताल रोड तक केवल मतगणना से संबंधित वाहनों को निकलने की अनुमति दी गई है। शहर में बिजली की घोषित और अघोषित कटौती की मार सबसे ज्यादा बेस अस्पताल के बच्चा वार्ड और महिला अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती प्रसूता और नवजात को भर्ती बढ़ रही है। बता दें कि दोनों अस्पतालों में कहने को जनरेटर हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी में ये चलते नहीं है। ऐसे में जच्चा बच्चा वार्ड में गर्मी से परेशान बच्चों के बिलखने की आवाज हर किसी को परेशान कर रही है। हल्द्वानी शहर में नैनीताल रोड स्थित सैमसंग मोबाइल की फ्रेंचाइजी के शोरूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शॉपिंग करने आए एक ग्राहक ने बहस के दौरान दबंगई दिखाते हुए शोरूम के मालिक के ऊपर पिस्तौल लहरा दी, जिसके बाद वो शोरूम में मौजूद स्टाफ को धमकाता हुआ वहां से चला गया। वहीं अब घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि मामले का आज तीसरा दिन है। शोरूम में तमंचा लहराते के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने बताया है कि शोरूम में धमकाने वाले व्यक्ति को ट्रेस कर लिया गया है। व्यक्ति पिरुमदारा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसको पुलिस की ओर से जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद प्रदेश भर में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं अब अगले 2 दिन राज्य में कहीं धूप तो कहीं आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तो मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हवाएं चलने की संभावना है। तो वहीं नैनीताल जिले और खासकर हल्द्वानी की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।